के बारे में हमें पढ़ना होता है और ये हाइड्रोजन के कंपाउंड है इसमें। आप कहेंगे कि ये जो चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं ज़्यादा बड़ा नहीं है, अभी हम इसको फटाफट से खत्म करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं लगता। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो होता है पानी की हार्डनेस का, उसको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। बाकी चैप्टर का ओवरव्यू मैं पूरा दे रहा हूँ आपको, बाकी ये सब बातें वो होंगी जो आपने पहले पढ़ रखी है। जो पुराने चैप्टर्स थे उनके बारे में जो हमने डिटेल डिस्कस किया था उन सबका कंक्लूजन हम इसके अंदर ले लेंगे, उन सब में वो बातें आ चुकी होंगी जिन बातों को मैं यहाँ पर आपके सामने इंडिकेट कर दूंगा। बाकी जैसे पुनीत सर आपको बताते आए हर बार कि कौन कौन से पॉइंट आपके लिए काम के हैं, हाइब्रिडाइजेशन था, ज्योमेट्री एंड शेप बताने होते थे, वर्नर थ्योरी के अंदर बात करें, वीवीटी के अंदर बात करें, सीएफटी के अंदर बात करें उनके हाइब्रिडाइजेशन, उनका ज्योमेट्री, इनर आउटर, कलर, कलरलेस, मैग्नेटिक मोमेंट, तो कुछ चीज़ों के लिए जिनके लिए मैंने फोकस किया था इन पर आपको ध्यान देना है बहुत ज्यादा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। वैसे ही एक ईमानदारी से बता रहा हूँ कि ये वाला चैप्टर ऐसा है जिसमें से क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी काफी कम होती है। हाँ, हालांकि पिछले दो चार साल में एक दो बार क्वेश्चन आ गया है, वरना पहले 5-10 साल में कभी क्वेश्चन आता था, वरना नहीं आता था, पर पानी की हार्डनेस से क्वेश्चन बनने लगे हैं लास्ट ईयर भी और उससे पहले भी एक बार इसमें क्वेश्चन बन चुका है। तो मिस्टर ने आपको ये इंडिकेट कर दिया कि हाँ, ये ज्यादा काम का नहीं होता है। फिर भी आप एक बार देखें और समझे कि क्या क्या चैप्टर्स में हमारे काम की चीजें। शुरू करते हैं हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। हाइड्रोजन के बनने वाले कंपाउंड के बारे में हम डील करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हाइड्रोजन के इंडिकेट किए। लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे हल्का है, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट अगर आप देखें तो हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1H1 से, एटॉमिक नंबर 1 है और मास भी 1 है, सबसे हल्का है। लाइटेस्ट गैस होती है, इसलिए याद करो जब हम पी ब्लॉक खत्म कर रहे थे तो अपने एप्लीकेशन लिखे थे इनर गैस के, और उसने अपने कहा था कि हाइड्रोजन और हीलियम को हम काम में लेते हैं बलून्स के अंदर भरने के लिए, क्योंकि हल्की गैसेस होती है, अर्थ का एटमॉस्फेयर का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये इनको अपने पास खींच के नहीं रख पाता, इसलिए अपर एटमॉस्फेयर में ये गैसेस पाई जाती है। सन की एनर्जी का सोर्स यहीं से निकल कर आता है, इनकी होने वाली न्यूक्लियर रिएक्शन से वहाँ जाकर काम में आती है। इसके अलावा कहा जाता है कि इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, इसे फर्स्ट ग्रुप के साथ भी रखा सकता है और 17th के साथ भी। ये एक नोटोरियस टाइप का एलिमेंट है। नोटोरियस का मतलब होता है जो एक जगह पर टिक के नहीं बैठे, शैतान बच्चा, उसको हम नोटोरियस कहते हैं। तो ये नोटोरियस एलिमेंट है क्योंकि इसकी पोजीशन जो होती है वो पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है, इसको एल्कली मेटल्स और साथ में हैलोजन्स के साथ रखा जा सकता है। एल्कली मेटल्स में कौन कौन आया? एल्कली मेटल्स जैसे कि मैंने इंडिकेट किया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। हैलोजन्स की बात करें तो मैंने कहा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या सिमिलरिटी है भाई? हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इन दोनों से मैच कर रही हैं। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल से मैच करती हैं और हैलोजन से भी। एल्कली मेटल की सिमिलरिटी चेक करिए, इन सभी के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सभी के पास कौन सा चार्ज स्टेबल है? +1। सेम चीज यहाँ पर नोटिस करें, यहाँ पर इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन का कॉन्फिगरेशन क्या बन रहा है? 1s1, जैसे इसका बन जाता है 2s1, जैसे इसका बन जाता है 3s1। इन सबके ऊपर +1 चार्ज स्टेबल होता है तो हाइड्रोजन के ऊपर भी +1 आ सकता है। इधर से सिमिलरिटी चेक करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हैलोजन्स होते हैं, हाइड्रोजन भी तो हैलोजन ही है, सॉरी हाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो हैलोजन्स होते हैं वो सब नॉन मेटल्स होते हैं और आप जानते हैं हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है। पहला पॉइंट। इसके अलावा ये दुनिया के अंदर पाए जाते हैं डाइएटॉमिक F2, Cl2, Br2 और I2, ये भी दुनिया में कैसे मिलता है? H2 की फॉर्म में। एक इलेक्ट्रॉन लेकर इनर्ट बनेंगे, फ्लोरीन से बनेगा F-, ये बनेगा Cl-, ये बनेगा Br- और ये बनेगा I-। कॉन्फिगरेशन ये भी बन जाएगा H-, ये बन गया हीलियम जैसा, फिर ये नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन और रेडॉन, क्या देख पा रहे हो? कॉन्फिगरेशन जो होते हैं वो इनर्ट के जैसे बन जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जो इसकी पोजीशन है वो पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है, इसकी प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल से भी मैच करती है और हैलोजन से मैच करती है, इसलिए इसको हम नोटोरियस कहते हैं, इसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन फिक्स नहीं की गई है। इसके अलावा देखें, ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। क्या पढ़ा है आपने? न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें मिलती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पर हाइड्रोजन ऐसा है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं पाए जाते, क्योंकि इसका कॉन्फिगरेशन जो आप लिखते हो 1s1 लिखते हो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर इसका 1 है और मास भी 1 है। मास 1 होने का मतलब क्या था? अगर हाइड्रोजन का 1 लिखा तो मतलब इसके अंदर एक प्रोटॉन है, पर न्यूट्रॉन का नंबर कितना हो गया? 0, क्योंकि 1+0 करोगे तब जाकर 1 आ रहा होगा। यहाँ पर जब आप मास लेते हैं तो उसमें दोनों का नंबर आता है, प्रोटॉन्स एज वेल एज न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन 0 है तो 1+0 कितना निकल कर आ गया? 1। इसलिए एक ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं पाए जाते, कौन हो गया? हाइड्रोजन। इसी वजह से जब आप हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर H+ बना देते हो तो आप कहते हो कि H+ का नाम होता है प्रोटॉन, और H+ का जुड़ना प्रोटॉन का एडिशन कहलाता है, इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? प्रोटोनेशन। तो ये प्रोटोनेशन इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन तो बचा, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, न्यूट्रॉन्स के पास था नहीं, तो H+ के पास सिर्फ बचता है प्रोटॉन, और इसलिए H+ का जुड़ना क्या कहलाता है? प्रोटोनेशन। तो एक ऐसा एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते वो होता है हाइड्रोजन। इसके अलावा तीन आइसोटोपिक फॉर्म प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, कैसे कंफिगरेशन लिखते हो? 1H1, दूसरा लिखते हो 1H2, अगला लिखते हो 1H3, ये बनते हैं तीन आइसोटोप, ये है प्रोटियम, ये है ड्यूटेरियम और ये है ट्राइटियम। ये तीन आइसोटोपिक फॉर्म में पाया जाता है, दिस वन इज रेडियो एक्टिव, इसलिए वो बहुत कम परसेंटेज में पाया जाता है, ये सबसे हल्का है और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है 1H3, ट्राइटियम जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट वन बनाने के तरीके, हाइड्रोजन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर देखें तो उसके लिए कुछ तरीके हैं, एसिड और बेस से आप कंबाइन करके उनको बना सकते हैं। एसिड के तरीकों में देखो तो आपको पता चलेगा कि कुछ डाइल्यूट एसिड ऐसे हैं जैसे कि H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म में लिया तो मेटल के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन दे सकता है, पर ध्यान रखें H2SO4 में अगर आप Fe क्रिएशन करा रहे हैं तो Fe2SO4 और हाइड्रोजन बन रहा है, पर अगर डाइल्यूट H2SO4 के साथ कॉपर क्रिएशन करा रहे हैं तो नो रिएक्शन लिखा है। क्यों भाई? आपने यहाँ पर चेक किया कि जो आयरन था उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और रिप्लेस करके H2 अलग कर दिया, जबकि यहाँ बना लिया Fe2SO4। नीचे से करो, जिंक जो था उसने H2SO4 में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और जिंक ने बना लिया ZnSO4, डिस्प्लेसमेंट टाइप क्रिएशन हुई है। आप जानते हो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है पर नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ECS में हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली मेटल जैसे आयरन और जिंक में तो हाइड्रोजन बना दिया, पर कॉपर जो कि हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है उसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो डिस्प्लेसमेंट टाइप क्रिएशन होगी जिसके अंदर जो मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट H2SO4 के साथ कंबाइन करके इसका प्रोडक्शन कर रहे होंगे हाइड्रोजन। तो ये H2 को बनाने का तरीका था एसिड के साथ, कॉपर क्रिएशन नहीं हो पाई क्योंकि कॉपर ECS में हाइड्रोजन से नीचे की तरफ आता है। जिंक के नीचे इंप्योर लिखा हुआ है क्योंकि जो प्योर रिएक्शन प्योर जिंक के साथ रिएक्शन होती है वो काफी स्लो होती है, इसलिए उसको आपने अवॉइड किया और आपने इंप्योर के साथ उसे कंबाइन करके दिखाया। तो ये तरीके हैं जिनसे एसिड के साथ कंबाइन करके आप उसको बना सकते थे। अगला तरीका बेस के साथ लिखा हुआ है, ये तरीका पहले आ चुका है पीरियोडिक टेबल में। मैं क्या कह रहा हूँ कि सब पुरानी चीजों का रीजन ही है, तो पुरानी चीजों का रीजन ये मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड था जो कि आपने आखिरी चैप्टर मेटलर्जी के अंदर भी देखा, जहाँ पर मेटल्स जो है ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस करते थे पर नीचे वाले ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं करते थे, ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस कर सकता है पर नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस नहीं कर सकता, वही चीज है। फिर से देखो क्या कहा जाए बेस के साथ, बेस के लिए हम पढ़कर आए हैं कि जो एम्फोटेरिक एलिमेंट्स होते हैं वो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। क्या पढ़ा था पीरियोडिक टेबल के अंदर? हमने पीरियोडिक टेबल में देखा था कि एम्फोटेरिक वो होते हैं जो दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, एसिड के साथ बेस की तरह और बेस के साथ एसिड की तरह कंबाइन करते हैं। चेक करो एम्फोटेरिक एलिमेंट कौन कौन से लिखे गए, आज सब बेसुरे जन सुनेंगे प्रवचन, ये सब एम्फोटेरिक है जो कि NaOH के साथ रिएक्शन करके इसका प्रिपरेशन कर रहे होंगे हाइड्रोजन का। जिंक था NaOH के साथ कंबाइन किया, जिंक ने अपना सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाया होगा, पहले तो कैसा कॉम्प्लेक्स बना होगा जरा चेक करो, अगर सोडियम के साथ जिंक का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कॉम्प्लेक्स बनकर आया होगा, दैट इज Na2ZnOH होल 4।
कैसे बना हुआ चेक करना, जिंक के ऊपर चार्ज आता है प्लस टू, तो यहाँ पर आया प्लस टू, एक ओएच पे माइनस वन, तो चार पे माइनस फोर, प्लस टू और माइनस फोर इधर माइनस टू आया, तो इधर आया प्लस टू, एक पे प्लस वन, तो दो पे प्लस टू, ये रहा कॉम्प्लेक्स। अगर एल्युमिनियम के साथ बनाने जाओगे तभी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, यहाँ एल्युमिनियम के साथ बनने वाला कॉम्प्लेक्स दैट इज एन ए एल ओ एच होल फोर, कैसे चेक करोगे, ब्रेक करो चार्ज के हिसाब से, यहाँ पर आया प्लस वन, इधर आ गया माइनस वन, एक ओएच पे माइनस वन, तो चार पे माइनस फोर आएगा, तो एल्युमिनियम कौन सा चार्ज आ गया प्लस थ्री, ये रहा एल्युमिनियम वाला कॉम्प्लेक्स और ये रहा जिंक वाला कॉम्प्लेक्स। तो ये एम्फोटेरिक एलिमेंट्स होते हैं, ये एम्फोटेरिक एलिमेंट इनके साथ सोल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और जब टूटते हैं, जैसे एल्युमिनियम जब टूटेगा तो बनाएगा एन ए एल ओ टू, जिसका नाम होता है सोडियम मेटा एल्युमिनेट, जिंक उसके साथ कंबाइन करके बनाता है एन ए टू जेड एन ओ टू, सोडियम जिंकेट, और बगल में किसका प्रिपरेशन हो जाता है एच टू हाइड्रोजन बनाने के काम आया। चार्ज लगाना सीखा था आपने, जब पीरियोडिक पे सीख रहे थे तो आपको शायद दिक्कत आई होगी, पर अगर आप पूरा चैप्टर सब कुछ पढ़ चुके हैं तो आप चार्ज डायरेक्ट लगा सकते हैं। एक सोडियम के ऊपर चार्ज आ गया है प्लस वन, एल्युमिनियम पर चार्ज आ गया है प्लस थ्री, टोटल हो चुका है प्लस फोर, इधर आएगा माइनस फोर, एक ऑक्सीजन पे माइनस टू, तो दो पे कितना हो गया माइनस फोर, बैलेंस हो गया। एक सोडियम पर प्लस वन तो दो पर आया होगा प्लस टू, जिंक पर आएगा प्लस टू, टोटल हो गया प्लस फोर, इधर कितना आया माइनस फोर, एक ऑक्सीजन पे माइनस टू, तो दो पे कितना माइनस फोर। तो यहाँ बना है सोडियम जिंकेट, फॉर्मूला होता है एन ए टू जेड एन ओ टू, यहाँ बना है सोडियम मेटा एल्युमिनेट एन ए एल ओ टू, और बगल में क्या प्रिपेयर हुआ एच टू हाइड्रोजन बना दिया। तो एम्फोटेरिक एलिमेंट जो बेस के साथ कंबाइन करके किसका प्रिपरेशन कर रहे होते हैं हाइड्रोजन का, और एम्फोटेरिक एलिमेंट को याद रखने का तरीका, आज सब बेस हुए जन सुनेंगे प्रवचन, उससे आप बता सकते हैं ये एम्फोटेरिक एलिमेंट हो गए। पानी के साथ रिएक्शन करो, मेटल्स जो ईसीएस में हाइड्रोजन से ऊपर आई हैं वो पानी के साथ कंबाइन करती हैं अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो कि ईसीएस में सबसे ऊपर आती हैं, उसके नीचे आने वाली रिएक्टिव मेटल्स, वो नीचे आने वाली लेस रिएक्टिव मेटल्स, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ठंडे पानी के साथ, जो कम रिएक्टिव है गर्म पानी के साथ, जो बहुत कम रिएक्टिव है स्टीम के साथ, कंबाइन करके इसका प्रिपरेशन करनी होगी हाइड्रोजन का। क्या थीसीएस, एक बार चेक करना तरीका, दिस वन इज ले के बारात श्री कान्हा, नेक्स्ट वन इज मजे से आला, उसके बाद दिस वन इज मन जन कर फेंक दे, कोई नहीं सुनता प्रॉब्लम हमारी, और उसके बाद छापा, छापा की बात करेंगे तो छापा तो इसी में सबसे नीचे आ गया, हाइड्रोजन के नीचे है, उसको लेने की जरूरत नहीं है। बाकियों को अगर नोटिस करें तो जरा चेक करो क्या लिखा, लेके बारात श्री कान्हा, मतलब ये वाले जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स थे वो किसके साथ कंबाइन करें ठंडे पानी के साथ, हाइड्रोजन दे देंगे। उसके बाद मांगे आलू मंजन कर, ये रहा मांगे आलू मंजन कर, ये किसके साथ रिएक्शन करें गर्म पानी के साथ, और उसके बाद फेंक दे कोई नहीं सुनता प्रॉब्लम हमारी, ये रहे वो सब, फेंक दे कोई नहीं सुनता प्रॉब्लम हमारी, ये किसके साथ स्टीम के साथ कंबाइन करेंगे, तो फिर किसका प्रिपरेशन कर रहे होंगे एच टू का। तो ये वोटर के साथ हाइड्रोजन बनाने का तरीका इंडिकेट किया, सबसे ऊपर वाले ठंडे पानी के साथ, उससे नीचे वाले गर्म पानी के साथ, और सबसे नीचे वाले स्टीम के साथ कंबाइन करेंगे। नेक्स्ट, इसके अलावा देखो खूब सारे तरीके, इलेक्ट्रोलाइसिस करो एसिडिक वाटर का, तो जब H2 का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो उसमें H2 प्लस O2 बन जाता है, ये हाइड्रोजन बनाने का तरीका, क्या क्या बना होगा, जब H2 का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो बन जाएगा H+ और OH- केटायन है वो कैथोड पर जाएंगे और एनायन जाएंगे एनोड पर, कैथोड पर होगा रिडक्शन, एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन, वो तरीका होगा वहां से आप H2 बना लेंगे। दूसरा, हाइड्रोकार्बन जब जलते हैं तो आप देखेंगे हाइड्रोकार्बन पानी के साथ कंबाइन करेंगे तो यहां बनेगा CO और साथ में बनेगा H2, ये रहा हाइड्रोजन बनाने का तरीका। वो देखो एक और लिखा है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, जिसको हम नाम देते हैं बोश प्रोसेस, ये वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन पहले भी आई है, जब आपको बनाना सिखाया था कार्बन के ऑक्साइड CO और CO2, तो उसके अंदर अपने कहा था कि वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन होती है, कार्बन जो सॉलिड फॉर्म में होता है कोयला, उसके ऊपर आप स्टीम पास करते हैं, और क्या कहते हैं इसको हम, कोल गैसिफिकेशन, कोयला जो कि सॉलिड फ्यूल है उसको हम गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं, तो दिस वन इज कोल गैसिफिकेशन। तो आपने कार्बन सॉलिड को पानी के साथ कंबाइन करके बना दिया CO + H2, और इसी कॉम्बिनेशन को हम क्या नाम देते हैं वाटर गैस, या फिर इसी का दूसरा नाम सिंगेस, चीजों के सिंथेसिस के लिए काम लिया जाता है, बनाने के काम आता है, इसलिए क्या नाम देते हैं सिंगेस। और इसके अंदर जब आप पानी डालेंगे तो CO पानी के साथ कंबाइन करके CO2 बगल में क्या देगा H2, ये वाटर गैस जो बनी थी उसने वाटर गैस ने आगे जाकर हाइड्रोजन बना दिया, इसलिए प्रोसेस को क्या नाम दिया वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, और वही प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा है, क्या नाम दिया है बोश प्रोसेस। तो ये कुछ तरीके हैं जहां से आप H2 मतलब हाइड्रोजन का प्रिपरेशन सीखते हैं, सबसे पहले तो आपने किसी सीखा एसिड से, डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल्स रिएक्शन करा दी जाए तो इसी से हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं तो कंबाइन करके इसका प्रिपरेशन कर देते हैं हाइड्रोजन का। एनीवेज बेस के साथ कंबाइन कर रहे हो आप एम्फोटेरिक एलिमेंट कौन कौन से, आज सब बेस हुए जन सुनेंगे प्रवचन, तो वो साथ में किसको प्रिपेयर कर देते हैं H2, साथ में सोल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा हाइड्रोजन बनकर आएगी। नेक्स्ट वन, वाटर के साथ कंबाइन करें तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं सबसे ऊपर वाले वो ठंडे पानी के साथ, जो थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं उनसे नीचे वाले वो गर्म पानी के साथ, और जो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं मतलब हाइड्रोजन से ऊपर है पर हाँ बाकी सबसे नीचे है वो स्टीम के साथ कंबाइन करके इसको प्रिपेयर कर रहे होंगे हाइड्रोजन को। और ये मेथड हमारे काम में आता है बोश प्रोसेस, कार्बन सॉलिड था वो CO + H2 में कन्वर्ट हुआ, इसको हमने नाम दिया वाटर गैस, और उसमें पानी डाला हाइड्रोजन बनकर आ गया, इसको नाम दिया वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट वन देखिए, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन की कैटेगरी स्टार्ट हो चुकी है, सबसे पहले हाइड्रोजन आ गया था, और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स में पहला नाम जो आया है वो है हाइड्राइड का, हाइड्रोजन के साथ बनने वाले कंपाउंड्स को ही क्या नाम दिया जाता है हाइड्राइड, जैसे पकड़ा हुआ ऑक्सीजन के साथ बनाते हो तो उसको नाम देते हो ऑक्साइड, नाइट्रोजन के साथ बनाते हो तो कहलाता है नाइट्राइड, हैलोजन के साथ बनाते हो तो कहलाता है हैलाइड, सल्फर के साथ बनाते हो तो कहलाता है सल्फाइड, वैसे हाइड्रोजन के साथ बनने वाले कंपाउंड्स को क्या नाम दिया जाता है हाइड्राइड, जैसे कि आयनिक हाइड्राइड है जिनको हम सॉल्ट लाइक या सेलाइन हाइड्राइड भी कहते हैं, सी वाटर से निकाल दो इसलिए सेलाइन कहा, सॉल्ट लाइक क्योंकि कॉमन सॉल्ट NaCl जैसा स्ट्रक्चर होता है इसलिए नाम दिया सॉल्ट लाइक, और ये आयनिक टाइप के होते हैं ये सॉल्ट लाइक या सेलाइन कहलाते हैं क्योंकि रॉक सॉल्ट से NaCl जैसा स्ट्रक्चर बनकर आता है, NaCl का स्ट्रक्चर मतलब ज्योमेट्री से मतलब नहीं है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, Na+Cl- Na+Cl- ऐसे क्रिस्टल बनाया हुआ ना ऐसे ही है क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड है ये भी वैसे जमेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम का हाइड्राइड है फॉर्मूला ले लिया NH, पोटेशियम का हाइड्राइड है फॉर्मूला ले लिया KH, ऐसे ब्रेक करोगे NH को थोड़ा तो बना Na+OH- KH को थोड़ा बना K+OH-, इस तरह से ब्रेक हो रहे कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ये देखो LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नाम दिया, कौन से एजेंट की तरफ करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों कह रहे हो रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्राइड है हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है माइनस वन, चेक कर लो माइनस वन पर है नीचे तो जा नहीं सकता क्योंकि माइनस वन तो लिमिट आ गई, जीरो या प्लस वन ऊपर की तरफ जाएगा, और जीरो प्लस वन पर जाना मतलब ऊपर जाना, ऊपर जाना मतलब इनका हुआ ऑक्सीडेशन, और जिनका खुद का होता है ऑक्सीडेशन वो दूसरे को कहते हैं रिड्यूस, मतलब कौन से एजेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ये देखो कॉम्प्लेक्स बना दिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम पर चार्ज आया है प्लस वन, एल्युमिनियम पर चार्ज आया है प्लस थ्री, एक पे प्लस वन, इधर प्लस थ्री, टोटल प्लस फोर, इधर कितना हो गया माइनस फोर, एक हाइड्रोजन पे माइनस वन, तो चार पे हो गया माइनस फोर, ये बन गया LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इस तरह हाइड्राइड बना, चेक करो एक बार हाइड्राइड के लिए भी कैटेगरी डिवाइड किया, तीन तरह के हाइड्राइड है तो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, सबसे पहले एस ब्लॉक वाले जो बनाते हैं वो बनाते हैं आयनिक या फिर सॉल्ट लाइक हाइड्राइड,
बेरिलियम मैग्नीशियम, कुछ जगह पे लिथियम का भी लिखा होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या कहते हैं, ये आयनिक टाइप के होते हैं, इनके अलावा उनका स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट जैसा हो जाता है क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, इसलिए आयनिक हाइड्राइड हो गई। दूसरा कहलाया इंटरस्टीशियल हाइड्राइड, याद करें आप इंटरस्टीशियल भी पढ़ा चुके हो, डी ब्लॉक में आपने पढ़ा था, उसमें हमने बताया था कि बड़े से मेटल क्रिस्टल के अंदर जब एक छोटी सी मेटल या फिर आप उस तरह से नॉन मेटल को वहाँ ट्रैप करते थे, डी ब्लॉक का आपने कंपोजिशन बनाया, आयरन आयरन जोड़ते हैं, उनके बीच में जो छोटी छोटी जगह बस्ती है इसको हम वॉइड्स कहते हैं या इंटरस्टीशियल स्पेस कहलाता है। उन जगहों पर जब स्मॉल साइज के एनाइन ट्रैप होते हैं तो उनकी ट्रैपिंग से बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, इंटरस्टीशियल। तो इंटरस्टीशियल टाइप के होते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन इंटरस्टीशियल साइट में प्रेजेंट होता है। डी ब्लॉक के अंदर जब चला था तो मैंने कार्बाइड बनाया था, कहा था कार्बन प्रेजेंट होगा तो नाम देंगे इंटरस्टीशियल कार्बाइड, अभी हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गया तो नाम देंगे इंटरस्टीशियल हाइड्राइड। जैसे टाइटेनियम बनाता है जिसमें TiHX, जिर्कोनियम बनाता है दैट इज ZrHX, नॉन स्टोइकोमेट्रिक टाइप के होते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से बैलेंस नहीं हो पाता, जो परफेक्ट बैलेंस नहीं हो पाते और जिनके अंदर ये परसेंटेज वाइज फ्रैक्शनल रेशियो पाया जाता है उसी को हम क्या नाम देते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक। तो ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक टाइप के कंपाउंड होते हैं। ऊपर वाले आयनिक टाइप के थे, जैसे कि नाम दिया था NaCl के साथ NaH, ये KH, उसी टाइप के स्ट्रक्चर है, चेक करो Na पे प्लस, OH पे माइनस, K पर प्लस, OH पर माइनस, सेम वही बात हुई। तो आयनिक टाइप होते हैं, आयनिक हाइड्राइड, एस ब्लॉक वाले इसके अंदर आएंगे, जो बीच में ट्रैप होते हैं डी ब्लॉक वाले उसको हम नाम देते हैं इंटरस्टीशियल हाइड्राइड। कोवेलेंट हाइड्राइड होते हैं, तो ये पी ब्लॉक के लिए डिफाइन हो गई, उसके अंदर भी टाइप आगे देखो, ये टाइप पहले भी आए थे, ये पहले आए थे जब हम बात कर रहे थे शुरुआत में केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। क्या कहा, सबसे पहला नाम दिया है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, जैसे बोरोन की फैमिली से ले लो 13 ग्रुप वाला, बोरोन का हाइड्राइड अपने बनाया है BS3, एल्युमिनियम वाला बनाओगे AL3, गैलियम वाला बनाओगे GS3, इसलिए याद करो ये पॉलीमर की फॉर्म में पाए जाते हैं क्योंकि ऑक्टेट नहीं हो रहे। बोरोन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की गिनती करेंगे तो बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, 3 हाइड्रोजन और आगे, 3 से खुद के थे, 3 और आगे कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं 6, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन हुए तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से इसको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो दूसरे से लेना प्रेफर करेगा, और जो दूसरे से लेते हैं वो किसी तरह बिहेव करते हैं लेविस एसिड, तो ये ऐसी स्पीशीज है जो कि लेविस एसिड की तरह बिहेव करती होती है, बोरोन का हाइड्राइड आया है इसमें BS3। अगला नाम जो अपने दिया है वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज टाइप का हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज में ग्रुप नंबर 14 का हाइड्राइड आया है, जैसे कार्बन वाला लिखा है CH4, चेक करो कार्बन का हाइड्राइड बनाया है CH4, सिलिकॉन क्या बनाएगा SiH4, जर्मेनियम क्या बनाएगा GH4, कहे सीता जी सुने प्रभु, ये वो है जिसमें परफेक्ट 8 हो जाएंगे, जैसे CH4 बनाते हैं। सेंट्रल एटम है कार्बन और कार्बन के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, कार्बन के पास 4 थे और 4 हाइड्रोजन और आ गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 8, और 8 मतलब क्या कंप्लीट हो गया है ऑक्टेट, जिनका परफेक्ट ऑक्टेट हो जाता है उसी को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, और जिसमें 8 से कम थे उसको क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तीसरी कैटेगरी नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब ये नहीं है कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन को वैकेंट डी में ट्रांसफर करना पड़ेगा, हाइड्रोजन के पास में ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन को डी में फेंक दे, क्योंकि प्रॉब्लम होती है इसको नाम देते हैं डी कॉन्ट्रैक्शन। याद करें बॉन्डिंग में पढ़ा था, कहा था PH3 तो बनता है पर PH5 का बनना पॉसिबल नहीं है, और PH5 के ना बनने का लॉजिक देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कमजोर है, और कमजोर होने की वजह से वो हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को डी में ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, इसलिए PCl3 भी बनता है, PCl5 भी बनता है, पर PH3 तो बनता है पर PH5 का बनना पॉसिबल नहीं हो पाता, वही वाली दिक्कत है। तो इलेक्ट्रॉन इसका मतलब ये नहीं है कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसका मतलब 8 है, पर लोन पेयर भी है, और जिनके पास लोन पेयर होता है वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। एग्जांपल देखो 15-16 को, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 15 से उठाया है NH3, 16 से उठाया है H2O, और 17 से उठाया है HF, ये सब वो हैं जिनके पास लोन पेयर निकल आएगा, चेक करना अमोनिया बनाता हूं। सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 3 तो हाइड्रोजन जुड़े हैं, बाकी एक बचा है लोन पेयर, जरा काउंट करें इलेक्ट्रॉन की गिनती क्या कहती है। अगर आप यहां पे इलेक्ट्रॉन गिनने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन है, पर इसके अलावा इसके पास लोन पेयर है, और जिसके पास लोन पेयर होता है वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो ये लेविस बेस की तरह बिहेव करेगा, ये लेविस बेस वाली स्पीशीज है, जो लोन पेयर देते हैं वो लेविस बेस कहलाते हैं, जो लोन पेयर लेते हैं वो लेविस एसिड कहलाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले थे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे थे लेविस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन रिच वाले हैं वो लोन पेयर डोनेट कर रहे थे लेविस बेस, तो ये कोवेलेंट हाइड्राइड की टाइप है। तो क्या कहा, बाइनरी कंपाउंड में एक कंपाउंड आया है जिसको हाइड्राइड का नाम दिया, हाइड्राइड की कैटेगरी क्या कहती है कि जो एस ब्लॉक वाले होते हैं वाइनिक या सॉल्ट लाइक कहलाते हैं, कि सॉल्ट जैसा स्ट्रक्चर है, सी वाटर से निकाले गए इसलिए इनको हमने नाम दिया है सेलाइन हाइड्राइड। डी ब्लॉक वालों के अंदर हाइड्रोजन बीच में ट्रैप होता है और कंपाउंड नाम दिया जाता है इंटरस्टीशियल मेटल, और ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक है क्योंकि पूरे बैलेंस नहीं होते। कोवेलेंट हाइड्राइड वो होते हैं जो पी ब्लॉक के अंदर है, पी ब्लॉक वालों की कैटेगरी ऐसी होती है कि ग्रुप नंबर 13 वाले 8 से कम इलेक्ट्रॉन रखते हैं उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ग्रुप नंबर 14 वाले परफेक्ट 8 रखते हैं इसलिए उसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, और 16-17 वाले आगे जो भी आने वाले हैं 18 तो आएंगे नहीं, 15-16-17 वाले जो आएंगे वो सब अपने पास लोन पे रखेंगे, और जो लोन पे रखते हैं वो लोन पे को डोनेट करने की तरह लेविस बेस की तरह बिहेव करते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। तो ये हाइड्राइड की 3 कैटेगरी, जिसमें नाम बना था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच वाले, ये कोवेलेंट टाइप है, इसके अलावा आयनिक हो सकते हैं, इंटरस्टीशियल होते हैं, और ये कोवेलेंट की कैटेगरी को हम क्लासिफाई करते हैं। हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स के अंदर ही दूसरे नाम पे चलते हैं, एक नाम बना था हाइड्राइड का, दूसरा नाम जो मैं देने वाला हूं वो है वाटर का। अब हम पानी के बारे में चेक करेंगे, पानी की रिएक्शंस के तरीके आपको ऑलरेडी बताया जा चुके हैं पी ब्लॉक के अंदर, क्या कहते थे, जब भी आप पानी के साथ कंबाइन करते हैं तो OH जुड़ता है, मेटल का अगर कंपाउंड है पानी के साथ कंबाइन करेगा तो वो बनाएगा हाइड्रोक्साइड, और नॉन मेटल का कंपाउंड है वो पानी के साथ कंबाइन करेगा तो वो बनाएगा ऑक्सी एसिड, क्योंकि मेटल के साथ जब OH जुड़ता है तो उसको हम हाइड्रोक्साइड का नाम देते हैं, और नॉन मेटल के साथ जब OH जुड़ता है तो उसको हम नाम देते हैं ऑक्सी एसिड का, तो या तो ऑक्सी एसिड बनेंगे या फिर हाइड्रोक्साइड बनेंगे, डिपेंड करेगा किसके साथ कंबाइन करके बनाया है। एक और टाइप ऑक्साइड बनाते हैं, इसको नाम दिया मिक्स्ड एन हाइड्राइड, पानी मिलाते हो तो वो कहलाता है हाइड्रेटेड, और अगर पानी हटा दोगे तो वो कहलाएगा एन हाइड्रस। जिनके करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड नहीं बनते जैसे N2O4, Cl2O6, वो डिस्प्रोपोर्शनेट होकर अपने ऊपर और नीचे वाले ऑक्सीजन बनाते थे, उस तरह के ऑक्साइड्स को हमने नाम दिया था मिक्स्ड एन हाइड्राइड। तो उस पार्ट की मैं बात कर रहा हूं जहां पानी के साथ रिएक्शन करना सीखते हैं। इसके अलावा पानी के बारे में जो हाइड्रोजन चैप्टर में बताया जाता है वो पानी की हार्डनेस है, दो तरह का पानी, एक को नाम दिया जाता है सॉफ्ट वाटर, एक को नाम दिया जाता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर जिसके अंदर जो साबुन है वो सफिशिएंट झाग देता है, कपड़े धोए थे साबुन से और पता चला कि सफिशिएंट झाग मिला तो मतलब सॉफ्ट वाटर है, जो हमारे घर पे आया वो सॉफ्ट वाटर था, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। पर एक और टाइप का पानी होता है इसको हम नाम देते हैं हार्ड वाटर। हार्ड वाटर वो पानी होता है जिसके अंदर साबुन झाग नहीं देता, हम साबुन का इस्तेमाल तो कर रहे हैं पर सोप लगाने के बावजूद भी उसमें झाग क्रिएट नहीं हुए, और इसकी वजह से अगर झाग नहीं बने तो मतलब इम्यूनिटी साफ नहीं हो पा रही है, साबुन का वेस्टेज हो रहा होगा, वो इसका बना लेता है, इसका मतलब पीपीटी का फॉर्मेशन कर रहा होता है, और इस तरह के कंपाउंड होते हैं, इस तरह का पानी होता है उसको हम क्या नाम देते हैं हार्ड वाटर। और जिन कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूं जो रेस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट, अगर ये पाए जाते हैं तो इनकी वजह से पानी कैसा कहलाता है हार्ड वाटर। ज्यादा क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाते हैं कि पानी में हार्डनेस कौन क्रिएट कर रहे हैं, तो दो केटायन है, एक कैल्शियम और एक है मैग्नीशियम, ध्यान रखना जब आप हार्डनेस को हटाने जाओगे तब भी आप इन दोनों केटायंस को हटाओगे, क्योंकि यही है जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं हार्डनेस के लिए, एक तो कैल्शियम और दूसरा मैग्नीशियम, और इनके एनायन के फॉर्म में बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट पाए जाते हैं। अगर बाइकार्बोनेट है तो उस तरह की हार्डनेस को हम क्या नाम देते हैं टेंपरेरी हार्डनेस, और अगर क्लोराइड और सल्फेट है तो हार्डनेस को क्या नाम दिया जाता है परमानेंट। क्या क्या बोला मैंने, कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर बाइकार्बोनेट्स आ गए हैं, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट,
MgHCO3 होल ट्वाइस, मैग्नीशियम वाला MgHCO3 होल ट्वाइस, अगर ये प्रेजेंट है तो इनकी प्रेजेंस की वजह से जो हार्डनेस आती है उसको हम क्या नाम देते हैं, टेम्पररी हार्डनेस। और अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट आ गए तो हार्डनेस को क्या नाम देंगे, परमानेंट। क्लोराइड देखें फॉर्मुला बनेगा CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मुला बनेगा MgCl2, सल्फेट की बात करें कैल्शियम सल्फेट दिस वन इज CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट दिस वन इज MgSO4। अगर ये सब पाए गए हैं तो इनकी वजह से जो हार्डनेस आती है उसको हम क्या नाम देते हैं, परमानेंट हार्डनेस। तो दो तरह की हार्डनेस होती है, एक का नाम होता है टेम्पररी और एक का नाम होता है परमानेंट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर बाइकार्बोनेट पाए गए हैं तो इनकी वजह से मिलने वाली हार्डनेस को क्या नाम देंगे, टेम्पररी हार्डनेस। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट हैं तो हार्डनेस को क्या नाम दिया जाएगा, परमानेंट हार्डनेस। और इन हार्डनेस के आने की वजह से जो साबुन है वो पानी के साथ झाग नहीं दे पाता और किसका फॉर्मेशन करता है, स्कम, रेसिपिटी का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इस हार्डनेस को रिमूव करना जरूरी होता है। रिमूव करने के तरीके देखो, रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस हम पहले बात करने वाले हैं, क्योंकि पहले टाइप की हार्डनेस जो थी उसको मैंने क्या नाम दिया था, टेम्पररी। टेम्पररी हार्डनेस को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बॉइल कर दें, बॉइल करना मतलब गर्म कर दीजिए। जैसे ही आप उसे गर्म करेंगे तो आप गर्म करने पर इस तरह की हार्डनेस को रिमूव करेंगे। गर्म करने का हीटिंग इफेक्ट है, चेक करो बाइकार्बोनेट का हीटिंग इफेक्ट आप पड़ रहा है। कार्बोनेट को क्या बनाते हैं, कार्बोनेट टूट कर बनाते हैं ऑक्साइड प्लस CO2, पर जब बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो बनाता है कार्बोनेट CO2 H2O। तो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट डिकम्पोज हुआ, आपने हीट किया है, बॉइलिंग का साइन में आपने इंडिकेट कर दूं। जैसे आप इसको गर्म करेंगे कैल्शियम का कार्बोनेट CaCO3, साथ में बनेगा CO2 और साथ में बनेगा H2O, तो ये बाइकार्बोनेट का हीटिंग इफेक्ट हुआ। मैग्नीशियम वाले भी ऐसा बनाया हुआ, MgCO3 जब हीट करने पर टूटेगा तो बनाएगा MgCO3 प्लस CO2 प्लस H2O, और मैग्नीशियम का कार्बोनेट पानी के साथ एफिनिटी लगता है, वो कंबाइन करके हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में पीपीटी बना लेगा, तो मैग्नीशियम अपने हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में यहां पर अलग हो रहा होता है। अच्छा, पानी किसे साफ हो रहा है, ये पानी की जो हार्डनेस है, ये हटा जो हम यहां पर रहे हैं, इसको हम एच बॉन्डिंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम दिया था, क्या कहते हो कि कैल्शियम के साथ अगर बाइकार्बोनेट था तो ये पानी के अंदर सोल्युबल था, क्योंकि ये पानी के अंदर हार्डनेस क्रिएट कर रहा था, और ये पानी के अंदर सोल्युबल होकर हार्डनेस क्रिएट कर रहा था क्योंकि ये पानी के साथ एच बॉन्डिंग कर पाता है। ये चीजें सोल्युबल है जो हार्डनेस क्रिएट कर रही है, क्योंकि अगर कोई चीज सोल्युबल हो और कोई चीज इनसोल्युबल हो तो किसको सेपरेट करना आसान है। आप घर में आने वाले पानी के रेस्पेक्ट में चेक करें, घर में आने वाले पानी के अंदर अगर इनसोल्युबल चीजें हैं तो कोई दिक्कत नहीं सेपरेट करना। इनसोल्युबल का मतलब नहीं घुला, वो नहीं घुला तो मतलब आपको दिख रहा है कि वो नहीं घुला। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे घर पर पानी आया, उसमें कंकड़ पत्थर आए, तिनके आए, वो नहीं घुले, नहीं घुले तो कुछ नहीं करना, आपको छान लेना बस, और अगर छली से छान लिया तो मतलब पानी साफ हो गया, क्योंकि कचरा तो आपने फेंक दिया, बचा पानी साफ है, बिकॉज यार इनसोल्युबल, वो उसके अंदर नहीं घुले थे। पर अगर इंप्यूरिटीज के अंदर घुली हुई है तो घुली हुई चीज है उसको आप छली से भी साफ नहीं कर सकते, और आपके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचा, तो आप उसको ड्रिंक करेंगे और आपके साथ इंप्यूरिटीज चली जाएंगे अंदर। इसीलिए घर में आरओ लगाया जाता है। आरओ का क्या काम है, वो इनसोल्युबल इंप्यूरिटीज को नहीं हटा रहा, इनसोल्युबल कंकड़ पत्थर तो अपने आप ही हटेंगे, वो इनसोल्युबल इंप्यूरिटीज को हटाता है जो पानी के साथ घुल कर आती है, और अगर वो पानी साथ घुल कर आ गई तो हम तो अपनी आंखों से नहीं देख पाए, पर आरओ जो मशीन है उनको देखेगी, वो उनको सेपरेट आउट करेगी वहां से, तो घुली हुई इंप्यूरिटीज को हटाने का तरीका होता है आरओ में। तो यहां पर भी ऐसी बात है, जो कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स, मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स थे वो पानी के अंदर सोल्युबल थे, और क्यों सोल्युबल थे, क्योंकि पानी साथ एच बॉन्डिंग कर पा रहे थे। अगर इस बाइकार्बोनेट की मैं बात करूं तो आप जानते हो ये बाइकार्बोनेट, दिस वन इज सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर ओ माइनस और इधर आया OH, अगला वाला आएगा वो भी कंबाइन करेगा, और क्यों करेगा, क्योंकि एक ओ माइनस दूसरे का OH कंबाइन करके कौन सा बॉन्ड बना पाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा था, ये पानी सोल्युबल था। अब जैसे आपने गर्म किया, क्या हुआ, बना है कैल्शियम का कार्बोनेट CaCO3, इसको नाम दिया जाता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मतलब हुआ चूने का पत्थर, और चूने का पत्थर मतलब कौन से कलर का पीपीटी बन रहा है, वाइट पीपीटी, पीपीटी बना है तो नीचे बैठ गया, आगे फेंक देना। CO2 बना है तो CO2 गैसीय फेज में है, गैस तो उड़ जाएगी, और गैस होने के बाद जो बचा हुआ पानी होगा वो कैसा पानी जाएगा, सॉफ्ट वाटर। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो बाइकार्बोनेट थे वो पानी में सोल्युबल थे, और इसी वजह से वो हार्डनेस क्रिएट कर रहे थे। आपने पहले कार्बोनेट बनाया, जिसने पीपीटी बना लिया, CO2 गैस बनाकर उड़ गया, उस बचा हुआ पानी होगा वो कैसा पानी जाएगा, सॉफ्ट वाटर। मैग्नीशियम इसी तरह से जाता है, पर मैग्नीशियम अपने बाइकार्बोनेट की फॉर्म में नहीं, अपने हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में अलग होता है, MgOH होल्ड ट्वाइस की फॉर्म में। एक तरीका, ये क्वेश्चन जो कि पूछ लिया गया था क्लार्क मेथड, पूछा गया था कि इनमें से कौन सा तरीका ऐसा है जो कि टेम्पररी हार्डनेस को हटाने के काम में आता है। तो आगे जितने भी प्रोसेस के नाम आएंगे ना, वो सब तो परमानेंट के लिए है, टेम्पररी के लिए तो या तो बॉइल करना होता है या फिर एक ही मेथड आता है जिसका नाम होता है क्लार्क मेथड, ये पूछ लिया एग्जाम में। इसलिए मैं कह रहा था कि हाइड्रोजन वाले चक्कर में से हार्डनेस वाला टाइप है, हार्डनेस वाला ऐसा पार्ट है जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछता है, पॉसिबिलिटी होती है, ये वही चीज होगी। क्या करते हो, इसके अंदर आप एडिशन में इसके साथ स्लग लाइम मिलाते हो, स्लग लाइम मतलब चूने का पानी, क्या फॉर्मूला, CaOH होल्ड ट्वाइस, जो दुकान से खरीद कर लाए थे वो था फिट लाइम CaO, और जो उसके अंदर पानी मिलाया था और वाइट कलर का सॉल्यूशन आपने बनाया था CaOH होल्ड ट्वाइस, उसको हम क्या नाम देते हैं, स्लग लाइम। रिएक्शन सेम होगी, कैल्शियम का जो बाइकार्बोनेट था उसके साथ आपने स्लग लाइम मिलाया और कंबाइन करके CaCO3 बना दिया लाइमस्टोन, जो कि इनसोल्युबल है, पीपीटी की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, इसको अलग कर देंगे और बचा हुआ पानी जो होगा वो पानी कैसा जाएगा, सॉफ्ट वाटर। तो दो तरह की हार्डनेस, पहली वाली हार्डनेस थी जिसको हमने नाम दिया था टेम्पररी हार्डनेस, जिसकी वजह से पाई जाती है बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से जो हार्डनेस मिलती है उसको हम नाम देते हैं टेम्पररी, CaHCO3 होल्ड ट्वाइस और MgHCO3 होल्ड ट्वाइस, ये वाली हार्डनेस इसको हम क्या नाम देते हैं, टेम्पररी हार्डनेस। हटाने का पहला तरीका बॉइल करते, बॉइल करने से क्या होगा, वो सोल्युबल चीजें इनसोल्युबल पीपीटी की फॉर्म में कन्वर्ट होंगी, या फिर दूसरा तरीका है क्लार्क मेथड, उसमें स्लग लाइन मिला दें, CaOH होल्ड ट्वाइस और स्लग लाइन मिलाने पर वो जो है वाइट कलर का पीपीटी बनाकर अलग हो जाएगा, पहली हार्डनेस, इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, टेम्पररी हार्डनेस। दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, अगला नाम जो बंदर आया है उसे कहा जाता है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस पाई जाती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से, और उसको हटाने के तरीके में सबसे पहला तरीका होता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मतलब क्या फॉर्मूला लिया आपने, Na2CO3 फॉर्मूला, याद करें पूरा फॉर्मूला लिखते थे Na2CO3.10H2। क्या कहते हो, जो वॉशिंग सोडा होता है वो काम में आता है डिटर्जेंट बनाने के, जब पानी के अंदर हार्डनेस आ रही है तो उसके अंदर साबुन झाग नहीं दे पाता, तो साबुन काम में नहीं आ पाता तो डिटर्जेंट काम में ले लो, डिटर्जेंट काम में लोगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसका भी नहीं बनाएगा और ये झाग भी देगा, इसलिए कहा जाता है कि ये दोनों तरह की हार्डनेस को हटाने का तरीका होता है, टेम्पररी एज वेल एज परमानेंट। तो जो वॉशिंग सोडा है उसे आप दोनों तरह की हार्डनेस को हटा सकते हैं। अच्छा, रिएक्शन का कोई लॉजिक नहीं है, रिएक्शन का बस इतना सा तरीका है कि आपको जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करके पीपीटी फॉर्म में अलग कर देना है, याद नहीं रखनी है, रिएजेंट का नाम उसका फॉर्मूला याद रखें, बाकी रिएक्शन याद नहीं रखनी है। क्या कहोगे, जैसे कि हार्डनेस क्रिएट करने वाले कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट थे और उनकी रिएक्शन आपने कराई है यहां पर वॉशिंग सोडा के साथ, इसका फॉर्मूला आपने क्या लिखा, Na2CO3, कैल्शियम कंबाइन करके बनाया CaCO3, कैल्शियम कंबाइन करके बनाया CaCO3, सोडियम यहां पर आएगा बनाएगा NaCl, सोडियम यहां पर आएगा बनाएगा Na2SO4, आयन एक्सचेंज रिएक्शन है। हर बार आप ये करोगे आयन एक्सचेंज रिएक्शन, बस यहां पर आप लॉजिक दे दोगे कि कैल्शियम जो हार्डनेस क्रिएट कर रहा था वो पीपीटी की फॉर्म में अलग हो चुका है, पीपीटी की फॉर्म में अलग होने का लॉजिक क्या कहता है, पीपीटी बना दिया मतलब नीचे सेटल डाउन हो गया, और नीचे सेटल डाउन हो गया मतलब आप उसको उठा के फेंक दोगे, तो हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल जो पार्ट था उसको आपने पीपीटी बनाकर सेटल आउट कर दिया, और इस तरह से हटाने का तरीका ही ये वॉशिंग सोडा के अंदर काम आया। दूसरा तरीका चेक करें, अगला नाम जो दिया गया है वो है कैल्गोन। कैल्गोन जो होते हैं बेसिकली ये होते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड से बने हुए कंपाउंड है, नाम दिया जाता है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, कैसे बनते हैं जरा चेक करो, फॉस्फोरिक एसिड था जिसका फॉर्मूला होता था H3PO4, अगर आप एसिड के एक मोल में से एक पानी हटाते हैं तो उसको नाम देते हैं मेटा, और अगर दो में से एक पानी हटाते हैं तो नाम देते हो पायरो,
अभी आप एक में से एक पानी हटा रहे हो, नाम दोगे मेटा। इसके एक में से एक पानी हटाया तो कंपाउंड का फॉर्मुला बन रहा है, दिस वन इज HPO3। इसका नाम था फॉस्फोरिक एसिड, तो इसका नाम बनेगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड, और उसको नाम दे देंगे आप ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। क्यों कहा ऑर्थो? सम्मान में ऑर्थो कहा जाता है, क्योंकि आपने मेटा बना दिया, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। हाइड्रोजन हटा दो, अगर हाइड्रोजन हटा दोगे तो यहाँ पर बनेगा H+ और यहाँ बनेगा PO3-। इसका नाम था मेटा फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम बनेगा मेटा फॉस्फेट। PO3- को क्या नाम देंगे? मेटा फॉस्फेट। यहाँ पर आप चेक करोगे तो 6 मेटा फॉस्फेट लगे हैं, नाम बनेगा हेक्सा मेटा फॉस्फेट। आगे सेटिस्फाई करेंगे, सोडियम आया है तो पूरा नाम बनेगा सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट। क्या नाम दिया गया? सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट। क्या था? इसका नाम था मेटाफॉस्फेट। आगे सोडियम लगा दिए हैं, सोडियम मेटाफॉस्फेट 6 लगा है तो नाम बनेगा सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। चार्ज लगाओ, कैसे लगाओगे? एक पीओथी के ऊपर -1 है तो 6 के ऊपर कितना लगने वाला है? -6। अगर इधर -6 है तो कितने सोडियम लगेंगे? +6 के लिए 6 सोडियम। चेक करो कैसे लगाया। एक सोडियम के ऊपर +1 है तो 2 के ऊपर आएगा +2। अगर यहाँ पर +2 आया तो पूरे के ऊपर कितना आया? -2। इधर -6 है, इधर -2 है, मतलब कितना आना चाहिए? +4। एक सोडियम पर +1 है तो 4 पर कितना आया? +4। ये कंपाउंड बनकर आया है। तो ये कंपाउंड है जिसको हम नाम देते हैं सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड से बने हुए। उसी को हम नाम देते हैं कैल्गोन। कैल्गोन कहने का लॉजिक समझिएगा, कैल्शियम इनके साथ कंबाइन करके चला जाता है और कैल्शियम को ये ले गए, कैल्शियम गॉन, इसलिए क्या नाम दे दिया है? कैल्गोन। कैल्शियम को अपने साथ कंबाइन करके ले जाता है, कैल्शियम गॉन, इसलिए क्या नाम दिया जाता है? कैल्गोन। क्वेश्चन पूछेगा, बोले कैल्गन स्टैंड्स फॉर, तो कैल्गन स्टैंड्स फॉर कैल्शियम गॉन। कैसे है चेक करना? हार्डनेस क्रिएट करने वाले कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट यहाँ पर लिखे। कॉम्प्लेक्स वो बनाता है जिसका फाई ज्यादा हो, जिसका फाई ज्यादा होगा उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी। अब फाई कंपेयर करें तो क्या कहें? सोडियम और कैल्शियम में से कैल्शियम का फाई ज्यादा है, और अगर कैल्शियम का फाई ज्यादा है तो कैल्शियम अपना कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कैल्शियम अपना कॉम्प्लेक्स बना लिया भाई। यहाँ पर कितने सोडियम थे? 4, क्योंकि टोटल चार्ज कितना था? +4। एक सोडियम +1 देता है तो 4 मिलाकर कितना दे दिया? +4। अब +4 के लिए कितने कैल्शियम लगाएगी काम बन जाए? यही कैल्शियम पर ऑटोमेटिक चार्ज +2 है, तो कितने कैल्शियम लगाए? 2, क्योंकि टोटल +4 लेकर आना है, सोडियम तो 4 लगेंगे, पर कैल्शियम कितने काफी है? 2। चेक करना फॉर्मूला, एक सोडियम पर +1 तो 2 पर आया +2, इधर +2 कितना आ गया? -2। एक पर -1 था तो 6 पर आया -6, तो यहाँ पर कितना लाना है? +4। एक कैल्शियम पर +2 है तो 2 पर कितना आ गया? +4। तो कैल्शियम जो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर चला गया, और कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बनाकर चला जाता है, इसलिए क्या नाम देते हैं? कैल्शियम गॉन, और कैल्शियम गॉन है तभी जाके क्या नाम बन रहा है? कैल्गोन। ये कैल्गोन प्रोसेस जहाँ से आपको रिमूव कर रहे हैं, बाकी सोडियम सल्फेट के साथ N2SO4 बना देगा, सोडियम क्लोरीन के साथ NaCl बनाकर सेपरेट आउट हो जाएगा। तो ये पानी की हार्डनेस को हटाने का एक और तरीका, जिसको हमने क्या नाम दिया? कैल्गोन, और पूरा नाम होता है दिस वन इज सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। और फॉर्मूला क्या है? ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ, दिस वन इज Na2, उसके बाद Na4, नेक्स्ट वन इज PO3 होल 6। 6 सोडियम इसको सेटिस्फाई करने के लिए आए हैं, इसलिए नाम बनता है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। अगला नाम चेक करें, नाम दिया गया है परम्यूटेट। परम्यूटेट एक तरह का जियोलाइट होता है, और जियोलाइट एक तरह के सिलिकेट होते हैं। चेक करना भाई इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखा गया है दिस वन इज Na2Al2Si2O8.XS2O, Na2Al2Si2O8.XS2O। इसी को हम नाम देते हैं सोडियम जियोलाइट। ये तो पूरा का पूरा फॉर्मूले के अंदर यहाँ से यहाँ तक लिखा है ना, इस पूरे को मैं जेड से रिप्रेजेंट करता हूँ, जेड स्टैंड फॉर जियोलाइट। आगे सोडियम लगेगा तो पूरा नाम बन जाएगा सोडियम जियोलाइट, जेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जेड जो है वो जियोलाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आगे सोडियम लगा दोगे तो पूरा नाम जब मैं बोलने जाऊंगा तो पूरा नाम ऐसे बोलूंगा दिस वन इज सोडियम जियोलाइट। तो ये सोडियम जियोलाइट है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, और इसको मैं जेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑक्साइड की फॉर्म में तोड़ो, सोडियम था, ऑक्साइड बनाया, क्या फॉर्मूला बन गया? Na2O। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाया Al2O3। सिलिकॉन का ऑक्साइड बनाया SiO2। साथ में क्या रखा हुआ है? XS2। रिएक्शन को चेक करो भाई, कितने सोडियम है? 2, आगे 2 लगा दो। एल्यूमिनियम 2 है, आगे 2 लगा दो। सिलिकॉन 2 है, आगे 2 लगा दो। ऑक्सीजन 8 है, किनके देखो? 1 और 3, 4 और 4। यहाँ से 4 और 3 और 1 कितने हो गए? 8। ये 8 ऑक्सीजन हो गए। तो शॉर्ट में फॉर्मूला क्या लिखता है? Na2Al2Si2O8.XS2O। इस पूरे को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड स्टैंड करता है जियोलाइट को, इसलिए फॉर्मूला बन जाएगा Na2Z, जिसको हम क्या नाम देंगे? सोडियम जियोलाइट। और ऑक्साइड फॉर्म में लिखोगे तो फॉर्मूला Na2Al2O3 2SiO2.XS2O, इसको हम नाम देते हैं सोडियम एल्युमिनो सिलिकेट, सोडियम एल्युमिनो सिलिकेट, और सोडियम एल्युमिनो सिलिकेट ही परम्यूटेट का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसको हम नाम देते हैं सोडियम जियोलाइट। ये बेसिकली टाइप का सिलिकेट है, और ऐसा सिलिकेट जिसके अंदर कॉमन यूनिट निकल रहा है SiO2, और SiO2 मतलब टाइप होता है 3D सिलिकेट का। तो ये 3D टाइप का सिलिकेट है जिसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। रिएक्शन भी पहले वाली, कैल्शियम और मैग्नीशियम के अंदर हार्डनेस क्रिएट करने वाले क्लोराइड और सल्फेट के साथ कंबाइन करेंगे। जियोलाइट का फॉर्मूला है Na2Z, सोडियम पे +1 और जियोलाइट पे -2, कैल्शियम पे +2 और क्लोरीन पे -1। कैल्शियम जियोलाइट के साथ कंबाइन करके बना देगा CaZ, और सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन करके NaCl। ये लीजिए, पानी के साथ हार्डनेस क्रिएट करने वाला जो कैल्शियम का क्लोराइड था वो जियोलाइट के साथ कंबाइन करके चला गया, और जियोलाइट को ले जाएगा, पानी के अंदर हार्डनेस खत्म हो जाएगी। रीजनरेशन करना है तो क्या करोगे? रीजनरेशन मतलब Na2Z को वापस बनाना, और रिएक्शन उल्टा लिख देना। कैल्शियम जियोलाइट जब NaCl के साथ कंबाइन करेगा तो CaCl2 बनाएगा, और साथ में सोडियम जियोलाइट बनकर आएगा। तो ये था प्रोसेस जियोलाइट का, कैसे किया है कंप्लीट तरीका समझना। हार्ड वाटर जो था वो यहाँ से एंटर किया, हार्ड वाटर जब एंटर किया तो साथ में ये इस तरह से एंटर करते हुए अंदर की तरफ चला गया। अब जब पानी यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ जाने जाएंगे, पानी इसमें साफ होता निकलेगा। पानी को साफ करने के लिए सबसे पहले ग्रेवस लगा है, ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज, कंकर पत्थर वगैरह तो इनके अंदर फंस जाएंगे, यहीं खत्म हो गया। तिनके या पत्ते वगैरह जो भी है उनको यहाँ खत्म करेगा। उसके बाद सोडियम जियोलाइट के कॉन्टेक्ट में आएगा, और सोडियम जियोलाइट जब उसके साथ कंबाइन करेगा तो कैल्शियम जियोलाइट बनकर यहाँ से अलग हो जाएगा, यहाँ से इंप्यूरिटीज को अलग कर देंगे, ऊपर की तरफ से इधर से जो पानी निकल आएगा वो पानी कैसे कहलाएगा? सॉफ्ट वाटर। रीजनरेशन का तरीका, तो इस तरह से पानी को साफ करने के 3 तरीके हमने डील किए हैं। क्या क्या नाम दिया है परमानेंट हार्डनेस को हटाने वालों में? सबसे पहला तरीका कहलाता है वॉशिंग सोडा, फॉर्मूला होता है Na2CO3। दूसरा तरीका है कैल्गोन, दैट इज Na2Na4PO3O6, नाम होता है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, जिसको हम नाम देते हैं कैल्गोन, और कैल्गोन स्टैंड्स फॉर कैल्शियम गॉन। उधर की तरफ अगला नाम जो आया है वो है परम्यूटेट, जिसको हम जियोलाइट कहते हैं, सोडियम जियोलाइट, फॉर्मूला है Na2Z, और जो पूरा फॉर्मूला लिखे तो बनता है Na2Al2Si2O8.XS2O, और ऑक्साइड की फॉर्म में Na2O3 2SiO2.XS2O, और इसको हम क्या नाम देते हैं? सोडियम जियोलाइट। तो ये पानी की हार्डनेस को हटाने के तरीकों में 3 तरीके परमानेंट के लिए भी आए हैं, और एक और तरीका बनता है जिसको हम आयन एक्सचेंज का नाम देंगे। तो ये पानी की हार्डनेस को हटाने के तरीके हम बात कर रहे थे। परमानेंट हार्डनेस को हटाने के जो तरीके हैं उनमें सबसे अच्छा और एक एप्रोप्रिएट तरीका जो होता है, अब मैं उसकी बात करने वाला हूं, नाम दिया गया है दिस वन इज आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज रेजिन वो होते हैं जो कि आयनों को हटाने के काम में आए। अभी तक आप कैल्शियम और मैग्नीशियम के पीछे पड़े हुए थे, हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम को अगर सेपरेट आउट कर दिया तो पानी की हार्डनेस को खत्म हो गई, मतलब वो वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई जिसकी वजह से आप उस पानी के अंदर साबुन को झाग नहीं दिला पा रहे थे, मतलब कपड़े धोने के लिए वो वाला पानी एप्रोप्रिएट नहीं था। हार्डनेस हट जाएगी तो पानी सॉफ्ट वाटर तो बन जाएगा, साबुन झाग देने लगेगा, उसमें आप कपड़ा साफ कर सकते हैं, पर आप उसे पीने के काम में नहीं ले सकते, क्योंकि ड्रिंकिंग पर्पस के काम में वो पानी इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि हार्डनेस क्रिएट करने वाले एनायन सब उसके अंदर बचे हैं। आपने कैल्शियम और मैग्नीशियम हटा दिया है, बाकी क्लोराइड सल्फेट या फिर अगर वो टेम्पररी वाला ले बाइकार्बोनेट उसके अंदर बचा हुआ है,
और अगर बचा हुआ है तो उन्हें भी हटाना है ताकि हम उसको ड्रिंकिंग पर्पस के काम में ले पाए। मतलब ये वाला पानी जो होगा वो पीने के एज वेल एज धोने के दोनों के काम में आ सकता है। तो उसको गेन करने के लिए जो मेथड काम में आता है उसको हम नाम देते हैं, दिस वन इज आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। क्या कहा गया, दो तरह के एक्सचेंजर इसके अंदर पाए जाते हैं, पहले वाला कहलाता है केटायन एक्सचेंजर, दूसरा वाला कहलाता है एनायन एक्सचेंजर। केटायन को हटाने के लिए आपको एसिडिक ग्रुप काम में लेना होता है जिसका फॉर्मूला है RCOOH। यहां से H+ हटेगा उसका केटायन आके स्विच पर जाएगा। नेक्स्ट वन बेसिक ग्रुप जो है वो काम में लिया जाता है एनायन को एक्सचेंज करने के लिए, फॉर्मूला है RNH3OH। यहां से OH- हटेगा और वहां का एनायन इसके पास आकर चिपक जाएगा। तो केटायन को हटाने के लिए होता है एसिडिक ग्रुप और एनायन को हटाने के लिए होता है बेसिक ग्रुप। देखिए दो तरह के एक्सचेंजर है और इन दोनों एक्सचेंजर्स के रिजल्टेंट जो रिएक्शन बनती है वो इस कंटेनर के अंदर हुई। यहां से जो पानी एंटर हुआ था उसके अंदर हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट और बाइकार्बोनेट सब थे, टेम्पररी एज वेल एज परमानेंट। आप सबको साफ कर रहे हो वापस, क्योंकि ये पानी जो होगा वो ड्रिंकिंग पर्पस के काम में आएगा। तो क्या कहा, यहां से जब पानी एंटर हुआ तो उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट और बाइकार्बोनेट सब थे। सबसे पहले ये गया केटायन एक्सचेंजर के अंदर, केटायन एक्सचेंजर के अंदर मिलाया गया है इसके अंदर एसिड। क्या फॉर्मूला था भाई एसिड का, फॉर्मूला हमने लिखा था RCOOH, RCOO- और H+। ये जो एसिडिक ग्रुप है ये इसमें से केटायन को अलग कर देगा। जो केटायन अलग हुआ उसकी वेस्टेज आप यहाँ से निकाल देंगे और यहाँ से जो पानी आगे जा रहा होगा वो सॉफ्ट वाटर है, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम तो अलग हो गए। टेक करिए रिएक्शन, पहला केटायन एक्सचेंजर था जो कि केटायन को बदलने के काम में आया कैल्शियम और मैग्नीशियम, RCOOH जो था उसके साथ कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम सल्फेट जो भी हम की रिएक्शन आपने कराई, तो यहाँ का जो H+ था वो कैल्शियम से रिप्लेस हो गया और कैल्शियम ने कंपाउंड बना के फॉर्मूला बना दिया RCOO होल्ड ट्वाइस कैल्शियम और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके HCl की फॉर्म में आगे निकल गया। मतलब केटायन जो थे जो हार्डनेस क्रिएट कर रहे थे वो यहाँ से रिमूव हो गए और केटायन को अलग कर दिया आपने वेस्टेज की फॉर्म में, यहाँ से उनको सेपरेट आउट कर दिया। अब आगे जो पानी जा रहा है सॉफ्ट वाटर, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है सॉफ्ट वाटर के अंदर, एक तो H+ आप देख सकते हो यहाँ से इसका H+ रिप्लेस हो गया था तो बचा हुआ है, इसके अलावा क्लोराइड है सल्फेट है और बाइकार्बोनेट है। मतलब हार्डनेस क्रिएट करने वाले एनायन सब बचे हैं, केटायन को आप यहाँ से अलग कर चुके हो, एनायन आगे की तरफ गए और एनायन आगे गए हैं, तो ये एनायन एक्सचेंजर मतलब एनायन को बदलने के लिए आपने यहाँ पर काम में लिया हुआ एल्कली मतलब बेसिक ग्रुप। इस बेसिक ग्रुप के लिए फॉर्मूला हमने लिखा था दिस वन इज RNH3+ और साथ में OH-। चलिए भाई इस बेसिक ग्रुप को काम में लेना होगा, क्या करेगा ये बेसिक ग्रुप, यहाँ का जो OH- है एनायन को सेपरेट आउट करेगा और सेपरेट आउट करके यहाँ से आपको रिमूव कर देंगे। उसके बाद यहाँ से निकल कर आएगा वो पानी कैसा कहलाएगा, प्योर वाटर। क्या किया, चेक करिए, दूसरा एनायन एक्सचेंजर था जो कि एनायन को बदलने के काम में आएगा, हार्डनेस के लिए क्रिएट करने वाले एनायंस बाइकार्बोनेट क्लोराइड और सल्फेट यहाँ से सेपरेट आउट हुए। बेसिक ग्रुप RNH3OH था, ये OH- हटा और इसके साथ क्लोराइड आ गया, कंबाइन करके इस तरह से इसको सेपरेट आउट कर दोगे और ये H+ OH- कंबाइन करके यहाँ H2O बनेगा और ये वाला पानी एकदम साफ होगा क्योंकि इसके अंदर केटायन भी हट चुके हैं एनायन भी हट चुके हैं। तो ये वाला पानी जो होता है ये इंप्योरिटीज को एकदम सेपरेट आउट कर देता है और इसी वजह से आप उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी काम में ले सकते हैं। तो सबसे एप्रोप्रिएट मेथड यही हुआ, क्योंकि अभी तक जो मेथड आए थे उनके अंदर आप केटायंस को सेपरेट आउट कर रहे थे, पर अब जो मेथड आया है उसके अंदर आपने केटायन एज वेल एज एनायन को हटाया। क्या कहा, केटायन को हटाने के लिए केटायनिक एक्सचेंजर काम में आता है जिसका फॉर्मूला होता है एसिडिक ग्रुप दिस वन इज RCOO- और H+। एनायन को हटाने के लिए काम में आता है बेसिक ग्रुप जिसका फॉर्मूला होता है RNH3+ और OH-। यहाँ पर ये हाइड्रोजन H+ कैल्शियम से रिप्लेस हो जाता है और कैल्शियम के साथ केटायन की हार्डनेस हट जाती है, यहाँ OH- क्लोरीन से रिप्लेस हो जाता है और क्लोराइड के साथ एनायन की हार्डनेस भी हट जाती है। तो यहाँ पर दोनों तरह के एक्सचेंजर है, यहाँ से जब पानी एंटर हुआ था तो हार्ड वाटर था, पहले वाले ने केटायन को हटाया है, केटायन को हटाने का मतलब यहाँ से कैल्शियम और मैग्नीशियम का सेपरेशन हुआ, बचा हुआ पानी सॉफ्ट वाटर था आगे की तरफ गया, एसिडिक वाटर है बचा हुआ है। उसके बाद यहाँ से आपने क्लोराइड सल्फेट और बाइकार्बोनेट को अलग कर दिया और बचा हुआ जो पानी यहाँ से निकलेगा वो कैसा पानी होगा, प्योर वाटर। तो ये सारे के सारे तरीके हैं जो हमारे काम में आते हैं हार्डनेस को हटाने के लिए। सबसे पहली बात जो हमने शुरू की थी वो हार्डनेस को हटाने के नाम पर हमने कहा था कि पानी के अंदर जब हार्डनेस पाई जाती है तो उसकी वजह से साबुन जो है पानी में झाग नहीं दे पाता और झाग नहीं दे पाता उसको हटाना होता है। उसके हिसाब से दो तरह की हार्डनेस है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होंगे तो हार्डनेस को नाम दिया जाएगा टेम्पररी, और अगर क्लोराइड और सल्फेट आएंगे तो नाम देंगे परमानेंट। टेम्पररी को हटाने का तरीका होता है या तो बॉइल कर दो, या दूसरा तरीका होता है क्लार्क्स मेथड जहाँ पर आप स्लैग लाइम मिलाते हैं। परमानेंट हार्डनेस को हटाने का पहला तरीका होता है वॉशिंग सोडा, फॉर्मूला है Na2CO3। दूसरा होता है कैलॉन, दैट इज Na2Na4PO3O6 सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। तीसरा तरीका होता है परम्यूटेड जिसको हम नाम देते हैं जियोलाइट, सोडियम जियोलाइट, दैट इज Na2Z। फॉर्मूला बनता है Na2Al2Si2O8.XS2। और आखिरी तरीका होता है जिसको हम नाम देते हैं आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। दो तरह के एक्सचेंजर, एक केटायन एक्सचेंजर और दूसरा एनायन एक्सचेंजर। केटायन एक्सचेंजर में होता है एसिड ग्रुप दैट इज RCOOH और एनायन एक्सचेंजर में होता है बेसिक ग्रुप दैट इज RNH3OH। पहले वाले में कैल्शियम और मैग्नीशियम को अलग किया जाता है और दूसरे वाले में क्लोराइड सल्फेट और बाइकार्बोनेट को अलग किया जाता है, और इस तरह से मिलने वाला पानी एकदम साफ पानी कहलाता है, उसको हम प्योर वाटर के अंदर रखते हैं। इसके अलावा रीजनरेशन करना है तो क्या कहोगे, कुछ नहीं है, पहले वाले के अंदर जो है आप एसिड काम में लो ताकि एसिड से कैल्शियम हटाकर आप वापस ये एसिड ग्रुप बना दो जो कि केटायन एक्सचेंजर है। दूसरे वाले में आपने बेस काम लिया है क्योंकि ये जो बेस होगा यहाँ से OH आएगा, OH इसके साथ कंबाइन करके RNH3OH बना देगा जो कि एनायन एक्सचेंजर है। कुछ नहीं है, आप उनको वापस बना रहे हैं, वापस बनाने का तरीका ही हमने क्या नाम दिया है रीजनरेशन। आप उसको वापस बना सकते हैं, पहले वाले के अंदर आपको H+ होता है आप एसिड ले लो, दूसरे में आपको OH- लेना होता है आप बेस ले लो, आप उसको वापस जनरेट करते हैं। चलिए आगे जो हम बात करने वाले हैं वो दूसरे पानी की है जिसको हम नाम देते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O। आप देखिए एक्चुअल में हैवी है क्योंकि इसका वेट ज्यादा है। अगर आपसे कहा जाए कि H2O का वेट अगर हम निकाल रहे हैं तो हम कहते हैं कि H2O में हाइड्रोजन का वेट 1 था, 2 का वेट 2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया 16, वेट निकल कर आया 18। D2O की अगर मैं बात करूं तो एक ड्यूटेरियम का वेट होता है 2, तो 2 का हो जाएगा 4 और यहाँ पर 16 है तो ये टोटल निकल कर आया 20। उसका एक्चुअल वेट ज्यादा है इसलिए इसको हम हैवी वाटर का नाम दे रहे हैं। जो हैवी वाटर होता है उसको बनाने का तरीका जो है ये सेम वैसा ही है जैसा H2O के लिए होता है। आप H2O को जब तोड़ते हो तो H+ OH- बनते हैं, D2O को तोड़ोगे तो D+ और OD- बनेंगे। बस इसका इलेक्ट्रोलाइसिस में दिक्कत यह है कि इनका मास ज्यादा होता है, इसी वजह से इनकी मोबिलिटी कम है, इसलिए रिएक्शन थोड़ी स्लो चलती है और ये 6 टाइम रिपीटेड किया जाता है तब जाकर आपको गेन कर पाते हैं। तो H2O के अंदर ये रिएक्शन आसानी से हो गई थी जबकि D2O का वेट ज्यादा होने की वजह से उसकी मोबिलिटी कम है, कि थोड़ा एनोड की तरफ जाने की टेंडेंसी कम होती है, इसलिए आप इसको कितने टाइम रिपीट कर रहे हैं 6 टाइम तब जाकर ये बनता है। बाकी रिएक्शन का तरीका सेम है, कोई अंतर नहीं आता। रिएक्शन का तरीका मैं सेम क्यों कह रहा हूं, ये देखिए आप पहले रिएक्शन ही समझ लो। ऐसे रिएक्शन अपने पानी के लिए भी बनाई थी जहां हम कहते थे कि CaC2 पानी के साथ कंबाइन होगा। जब पानी के साथ कंबाइन होगा तो आपको तरीका बताया था कि मेटल है पानी में जाने पर बनाएंगे अपना हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो ये रहा मैं रिएक्शन वही वाली बना देता हूं। CaC2 जब पानी के साथ कंबाइन हुआ तो पहला कंपाउंड जो बन रहा है वो था CaOH होल्ड ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
कैल्शियम एक है, यहाँ पर भी एक है, ऑक्सीजन दो था तो यहाँ पर आपने दो लगा दिया, हाइड्रोजन दो था यहाँ पर चार है, दो काम में आ गया, मतलब हाइड्रोजन दो बचे, दो हाइड्रोजन बचे और दो कार्बन बचे, मतलब साथ में बन गया C2H2, जिसको हम एसिटाइलीन कहते हैं और इसी वजह से इसको नाम दिया जाता है एसिटाइलीन। वहाँ पर C2H2 बन रहा था, यहाँ पर C2D2 हो गया, कोई चेंज नहीं है, बस इतना सा चेंज है। जहाँ पर आप हाइड्रोजन लगा रहे थे वहाँ पर आपको ड्यूटेरियम लगाना होगा, क्योंकि रिएक्शन में अच्छी जगह डी काम में आ गया। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड था, पानी के साथ कंबाइन करता था तो बना था NaOH, यहाँ पर क्या बन गया NaOD, उसका नाम था सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम हो जाएगा सोडियम ड्यूटेरो हाइड्रोक्साइड, बस ड्यूटेरो काम में ले लोगे। जैसे कि SO3 था, पानी के साथ कंबाइन करता था तो मैं कहता था कि सल्फर प्लस 6 में है, अगर सल्फर प्लस 6 में है तो प्लस 6 वाला ही एसिड बनता था, जिसको आप नाम देते थे H2SO4, जिसको हम कहा करते थे कि यह सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ बनेगा D2SO4, जिसका नाम होगा ड्यूटेरो सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर प्लस 6 पर है तो यहाँ वाला सल्फर भी कितने चार्ज पर था, प्लस 6 चार्ज पर था, बना देगा, तो ये प्लस 6 वाला बन गया, इसमें ड्यूटेरो सल्फ्यूरिक एसिड था। मैग्नीशियम का नाइट्राइड है, MG3N2, पानी में डालते थे तो बनता था MgOH होल्ड वाइस, यहाँ बनेगा MgOD होल्ड वाइस, साथ में बैलेंस करने पर वहाँ पर NH3 फ्री होता था, इसका नाम था अमोनिया, तो यहाँ पर ND3 फ्री होगा क्योंकि ड्यूटेरियम आएगा। तो कोई चेंज नहीं करना, रिएक्शन का तरीका सेम है, बस थोड़ी सी स्लो है। अच्छा स्लो क्यों है? क्योंकि ड्यूटेरियम का वेट ज्यादा है, और अगर वेट ज्यादा है, मास ज्यादा होगा, तो इसकी वजह से रिएक्शन की रेट कम हो जाएगी, क्योंकि एक इफेक्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं आइसोटॉपिक इफेक्ट। आइसोटॉपिक इफेक्ट कहता है ये सारे के सारे पॉइंट्स होंगे, बोन एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब इसके लिए ज्यादा होंगे D2 के लिए, क्योंकि ड्यूटेरियम का वेट ज्यादा है। क्या कहा जाता है, देखिए ये रहा वो पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हैवी वाटर, कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस, मोबाइल लिक्विड है, सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बस हाँ वो हायर है, सारी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो D2 के लिए ज्यादा है एज कम्पेयर टू S2, क्योंकि उसका वेट ज्यादा है। सिवा एक पॉइंट है जिसको नाम दे रहे हैं डायरेक्ट कॉन्स्टेंट, वो S2 का ज्यादा है। क्या कहते हो, जब बात करें डायरेक्ट कॉन्स्टेंट की, तो S2 के लिए हम लिखते हैं 81 है और D2 के लिए हम लिखते हैं अप्रॉक्स 78 होता है, वो उसका ज्यादा है, बाकी सब D2 के ज्यादा है। हाँ जो सेम है वो ये है कि केमिकली सिमिलर होते हैं, मतलब रिएक्शन का टाइम सेम होता है, बस थोड़ी सी स्लो हो जाती है, बाकी रिएक्शन का टाइप सेम है, और उसका जो इफेक्ट मैं बोल रहा हूँ वो है आइसोटॉपिक इफेक्ट। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ आइसोटॉपिक इफेक्ट, मैं आपको समझा के बात करें, अगर हाइड्रोजन आइसोटॉप्स की, तो ये लिखा मैंने 1H1, ये मैंने लिखा 1H2 और ये मैंने लिखा 1H3। अगर आप पहले से दूसरे पे जा रहे हो तो इसका वेट जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज कर गया, आपको दिखाई दे रहा है पहले के रेस्पेक्ट में ये 1H2 बन गया है। अगर यहाँ से यहाँ की तरफ जाओगे तो इसका वेट जो है वो 3 टाइम्स इंक्रीज कर गया है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनके वेट डबल और ट्रिपल हो गए हैं, ऐसा बाकी जगह नहीं होता। नाइट्रोजन का आइसोटोप बनता है नाइट्रोजन 14 और 15, एक तो बड़ा डबल नहीं हुआ, क्लोरीन का 35, क्लोरीन का 37, दो तो बड़ा डबल नहीं हुआ। यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो आपको पता चलेगा इसका वेट 1 था, इसका वेट 2 हो गया, उसका वेट 3 हो गया, मतलब ये 2 टाइम्स और 3 टाइम्स तक इंक्रीज कर गया, और इसी वजह से एटॉमिक वेट में इस तरह के इंक्रीमेंट की वजह से ये इफेक्ट डेवलप होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट, हाइड्रोजन के आइसोटोप से मिलता है, और इसी वजह से हम कहते हैं कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ड्यूटेरियम जो होते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह, ये सारे पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, तो ये आइसोटोपिक इफेक्ट है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बस एक पॉइंट है, पूछा जाए एक बार आया भी था क्वेश्चन कि आयनिक कंपाउंड पानी में ज्यादा खुलेंगे या D2O में, तो हम कहेंगे पानी में ज्यादा खुलेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट कॉन्स्टेंट ज्यादा है, इसका डायरेक्ट कॉन्स्टेंट कम है। दूसरों को अपने अंदर डिसॉल्व करने की जो टेंडेंसी है वो D2O के अंदर कम है और S2O के अंदर ज्यादा है, बाकी प्रॉपर्टी सेम रही होती है, रिएक्शन का तरीका सेम है, बस हाँ थोड़ी स्लो है, क्योंकि इसका वेट ज्यादा है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि CH बॉन्ड और CD बॉन्ड में कंपेयर करें किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो मैं कहूंगा CD बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस पावरफुल है, क्योंकि उसका वेट ज्यादा है, और इसी वजह से इस तरह के डिफरेंस डेवलप होते हैं, और इफेक्ट कहलाता है, इसको हम क्या नाम देते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। रिएक्शन का तरीका आपको सेम रखना है, जहां C2H2 बनाते थे वहां C2D2 बना दो, जहां आपने NaOH बनाया था वहां आप NaOD बना दो, जहां आपने NH3 बनाया था वहां ND3 बना दो, जहां H2SO4 बनाते थे वहां D2SO4 बना दो, बस हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम चिपकाना है, बाकी सब सेम है। और एक यूज जो इसके लिए काम में आता है कि D2O का काम में लेते हैं न्यूट्रॉन मॉडरेटर की फॉर्म में, न्यूट्रॉन मॉडरेटर वो होते हैं जो कि हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स को स्लो करने के काम में आते हैं। क्या करते हो आप इसके अंदर, आप जो है D2O के अंदर जब केमिकल रिएक्शन हम करा रहे हैं तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसके अंदर क्या होता है कि न्यूट्रॉन्स होते हैं वो किसी एटम से आकर टकराते हैं, इसकी वजह से वो एटम कुछ भागों में टूटता है, कुछ नए न्यूट्रॉन्स वहां से निकलते हैं, ये न्यूट्रॉन्स आगे की तरफ जाते हैं, अगले एटम से टकराते हैं, उसको कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर से न्यूट्रॉन निकलते हैं, चेन रिएक्शन है। अब इसको स्टॉप करने के लिए क्या करना है, वो जो न्यूट्रॉन्स वहां से निकल रहे थे उसको आप हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स को आप पास करो D2O में से, D2O मतलब हैवी वाटर, अगर आप उन्हें हैवी वाटर में से पास करेंगे तो वहां से निकलने पर क्या होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को कम कर देगा, और अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस कर देगा तो इसकी वजह से आगे जाकर डिसोसिएट करने की और चेन रिएक्शन को प्रोसीड करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। इसलिए इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज ये है कि D2O को आप काम में लेते हो एज ए न्यूट्रॉन मॉडरेटर, क्योंकि हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स को स्लो करने के काम आता है, तो ये काम का पॉइंट था जो यहां से पूछ लिया जाता है। एक आखिरी कंपाउंड जिसके बारे में हमें पढ़ना है हाइड्रोजन फैमिली के अंदर, वो है H2O2, दैट इज हाइड्रोजन परोक्साइड, हाइड्रोजन परोक्साइड H2O2 होता है, और इसके अंदर परोक्सी लिंकेज पाया जाता है। आप चेक करना जरा H2O2 में, H2O2 में अगर मैं कहूं कि एक हाइड्रोजन पे प्लस 1 है तो दो पे कितना चार्ज आ गया प्लस 2, इधर प्लस 2 इधर -2, अच्छा O2 -2 बना, दो पे -2 है तो एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा -1, ये ओ ऑक्सीजन पे -1 है और O2 -2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना हो और उनके ऊपर -1 चार्ज लगा हो, तो इसी को हम नाम देते हैं परोक्सी, और परोक्सी लिंकेज वाला होता है कंपाउंड हाइड्रोजन परोक्साइड, जिसको हम नाम देते हैं H2O2। क्या कहोगे, बनाने का तरीका ये रहा, पहले आ चुके हैं, कोई भी परोक्साइड होगा तो वो रिएक्शन करके परोक्साइड की तरफ जा रहा होगा, याद करें एस ब्लॉक में आया था, फिर पी ब्लॉक में भी आया था, फिर हाइड्रोजन में भी आया है, बेरियम का परोक्साइड है BaO2, वाटर ऑक्सीडेशन साथ में जुड़ा हुआ है, H2SO4 के साथ आपने कंबाइन किया तो हाइड्रोजन की जगह बेरियम लगा के आपने BSO4 बना दिया और साथ में बना दिया H2O2, ये रहा परोक्साइड, परोक्साइड बनाते हैं और सबसे छोटे परोक्सी तक जाना होता है, दैट इज H2O2, ये रहा 50% H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस कराओ, ये H2SO4 के इलेक्ट्रोलाइसिस से आप यहां तक जा रहे हो H2O2O8, और H2O2O8 एक एसिड होता है जिसको आप नाम देते हो मार्शल्स एसिड। अब मार्शल्स एसिड के अंदर परोक्सी लिंकेज है, क्योंकि इसका दूसरा नाम होता है परोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, बड़े परोक्सी से आप छोटे परोक्सी तक जाओगे, ये हो गया H2SO5, दैट इज केरोज एसिड, ये था मार्शल्स एसिड, यहां से आप चले गए केरोज एसिड, परोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड था, परोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बन गया, फिर से इस केरोज एसिड का जब हाइड्रोलाइसिस किया गया तो फाइनली चला गया H2O2 में, दैट इज हाइड्रोजन परोक्साइड। तो बड़े परोक्सी से छोटे परोक्सी तक और छोटे परोक्सी से फाइनली H2O2 तक जाना होता है, तो ये H2O2 बनाने का तरीका याद करें, हाइड्रोलाइसिस में आया हुआ है, हाइड्रोलाइसिस में कहा था परोक्सी एसिड का हाइड्रोलाइसिस, वहीं पर अपने फास्फोरस के लिए बनाया था H4P2O8, परोक्सी डाइफॉस्फोरिक से बना था परोक्सी मोनोफॉस्फोरिक, और परोक्सी मोनोफॉस्फोरिक से बन गया था H2O2, और दो मोल फॉस्फोरिक एसिड बनते थे, यहां पर भी देख लो दो मोल सल्फ्यूरिक एसिड बना है, एक ये रहा और एक ये रहा H2O4, तो कुछ नहीं है, बनाने का तरीका परोक्साइड से ही है, बड़े परोक्सी से छोटे परोक्सी तक जाओगे फाइनली H2O2 देगा, तो परोक्साइड ही परोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ये बेरियम परोक्साइड भी H2O2 बना रहा है। क्या करो, क्रोमियम का भी परोक्साइड मैंने बनाया था, कहा था कि जब क्रोमियम का कंपाउंड H2O2 के साथ रिएक्शन करता था तो वहां बनता था CrO5, दैट इज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, उसमें परोक्सी लिंकेज पाए गए थे दो, ये परोक्साइड से परोक्साइड तक जाने के तरीके होते हैं। इसके अलावा आगे देखो कुछ पॉइंट्स उसके लिए लिखे हैं, ये कलरलेस होता है, ये ओडरलेस लिक्विड है, इंप्योर होता है ब्लूश लेयर के साथ, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों के रेस्पेक्ट में ज्यादा हो गया। क्या कहोगे बॉइलिंग पॉइंट के लिए, अगर आपको कंपेयर करना पड़े H2O D2 में, तो हम कहेंगे H2O D2 में D2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन लगेगा, नॉन पोलर कंपाउंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट एक हाइड्रोजन का एक है तो दो का दो हो गया, यहाँ एक का दो है तो दो का हो गया चार, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाने वाली है ज्यादा, इनसे ज्यादा होता है H2O का, उससे ज्यादा होता है D2O का, क्योंकि वो बॉइलिंग कर रहे हैं।
अच्छा ये भी एच बॉन्डिंग कर रहा है और ये भी एच बॉन्डिंग कर रहा है, पर इसका वेट ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर उसका न्यूक्लियस पावरफुल है, आइसोट्रोपिक इफेक्ट कहा था। और इन सबसे ज्यादा हो गया H2O2 क्योंकि ये तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं चार, जबकि ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है छह। कैसे, जरा से करना एक बार। अगर H2O की बात करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि H2O के अंदर आप जो है चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर दिखाते हैं, उनको चार को बनाने का तरीका ऐसा होता है कि दो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनते हैं OH की वजह से और बाकी जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो बनते हैं लोन पेयर की वजह से। अगर बात की जाए H2O2 की, जिसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है H2O2 का। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, ये रहे इसके पास दो, अगले वाले के पास दो लोन पेयर है, तो कितने लोन पेयर हो गए चार। अब जरा काउंट करके देखो ऊपर वाले तरीके से, वहाँ दो तो OH आए थे जो रेस्पॉन्सिबल थे, यहाँ पर भी दो OH आ गए, एक OH रहा और एक OH रहा, बाकी एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर और चौथा लोन पेयर। यहाँ सिक्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं, जबकि यहाँ पर कितने बने हैं चार। इसकी वजह से टर्म डिफाइन होती है, इसको हम नाम देते हैं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ फोर हुआ है, तो यहाँ पर हुआ है सिक्स, इसी वजह से कहा जाता है मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सबसे कम था H2, फिर आया D2, फिर आया H2O, फिर आया D2 और सबसे ज्यादा H2O2। क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछेगा आपसे वाला। नेक्स्ट वन, इट इज डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दो OH है, एक OH और एक OH वाला। इसके अलावा ये ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग दोनों बिहेवियर शो कर सकता है। आपने क्या चेक किया, H2O2 के अंदर ऑक्सीजन जो था वो -1 पर आया था, इंड्यूस्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन -1 से -2 पर भी जा सकता है, -1 से 0 पर भी जा सकता है। -2 में आएगा ऑक्साइड होगा, 0 पे जाएगा O2 में जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है, उसका रिडक्शन भी पॉसिबल है, और जिसके लिए दोनों पॉसिबल होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो ये कभी बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कभी बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट। पूछा जाता है H2O2 को आप डार्क कलर की बॉटल्स में क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि ये सनलाइट से डिकम्पोज हो रहा है, और अगर लाइट से डिकम्पोज होता है इसलिए इसको डार्क ब्लैक कलर की, ब्लू कलर की बॉटल्स में स्टोर करके रखा जाता है ताकि इसका डिकम्पोजिशन ना हो पाए। और 30% सॉल्यूशन ऑफ H2O2 होता है, उसका नाम दिया जाता है, दिस वन इज पर हाइट होल। आगे देखो, मैं कह रहा था ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों प्रॉपर्टीज हैं, जरा चेक करना क्या कहा। H2O2 के अंदर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आया था -1, अगर ये O2 में गया तो मतलब कहां गया, 0 पर। -1 से 0 में जाना मतलब इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, और इसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे को करता है रिड्यूस, कौन सा एजेंट कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अगला देखो, H2O2 ऑक्सीजन -1 पर था और -1 से -2 पर चला गया, इसका हुआ है रिडक्शन, और इसका खुद का होता है रिडक्शन वो दूसरे को करता है ऑक्सीडाइज, कौन सा एजेंट कितना बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन -1 पर था, -1 से -2 पर गया है और यहां 0 पर गया है। -1 से -2 मतलब क्या हुआ है रिडक्शन, -1 से 0 मतलब क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, और इसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होता है, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन। तीनों काम कर सकता है, यहां पर देखा तो रिड्यूसिंग एजेंट बना, यहां पर देखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना, और दोनों हो गए तो प्रोसेस क्या कहलाया, डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो ये इसके ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग बिहेवियर को दर्शाने के लिए था। चेक करो, H2O2 जो है वो H2O में जा रहा है, मतलब ये -1 से कहां जा रहा है, -2 पर जा रहा है। -1 से -2 में गया मतलब खुद का किया है रिडक्शन, और खुद का किया है रिडक्शन तो दूसरे का करेगा ऑक्सीडेशन, मतलब कौन से एजेंट की ट्रीट किया जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। करते जाओ ऑक्सीडाइज, फेरस को कहां ले गया, फेरिक में, नाइट्राइट को कहां ले गया, नाइट्रेट में, सल्फर को कहां ले गया, सल्फेट में, ये कन्वर्जन हो गया। दूसरा चेक करें, H2O2 जो था वो ऑक्सीजन -1 पर था, और ऑक्सीजन जो था वो -1 से कहां कन्वर्जन दिखा रहा है, तो चेक करिए, ऑक्सीजन -1 से जा रहा है 0 पर, -1 से 0 पर गया मतलब खुद का किया ऑक्सीडेशन, और अगर खुद का करेगा ऑक्सीडेशन तो दूसरे का करेगा रिडक्शन, तो मतलब ये कौन से एजेंट की ट्रीट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो दिस वन इज रिड्यूसिंग एजेंट, इसका रिड्यूसिंग बिहेवियर हम यहां पर दिखा रहे हैं। चलो रिड्यूस, ओजोन को कहां ले गया, O2 में, Ag2 जहां सिल्वर +1 पर था उसको कहां ले गया, Ag में, I2 जो 0 पर था उसको ले गया I- में, KMnO4 जो था -7 वो एसिडिक मीडियम में चला गया +2 के अंदर, बेसिक मीडियम में चला गया +4 के अंदर, ये देखिए कन्वर्जन। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो H2O2 है वो दोनों काम कर सकता है, अगर ये O2 पे जा रहा है तो मतलब खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन मतलब दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन। अगली बात, H2O2 जो था वो H2O में जा रहा है, मतलब खुद का रिडक्शन कर रहा है, तो दूसरे का ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग दोनों तरह की प्रॉपर्टी दर्शा सकता है। कई सारे कंपाउंड ऐसे आए थे, जैसे SO2 कहा था, SO2 दोनों काम करता है क्योंकि सल्फर +4 पर है, वो सल्फर पर भी जा सकता है 0 पर, और SO3 पर भी जा सकता है मतलब +6 पर, सल्फेट बनाएगा तो भी +6 है, उसका ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है, उसका रिडक्शन भी पॉसिबल है। रिडक्शन होता है तो बनता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों काम कर सकता है। यहां पर भी दिखाया। नेक्स्ट वन, एक स्ट्रक्चर है जो कि H2O2 के फेमस होता है, उसको हम नाम देते हैं हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। हाफ ओपन बुक का मतलब हुआ है कि एक बुक को आप इस तरह से ओपन करें कि वो आधी खुल जाए, उसको हम नाम देते हैं हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है स्ट्रक्चर को, ये वाला कोना हाइड्रोजन था, बॉन्ड बना के यहां पर आया ऑक्सीजन, फिर उसके बाद बॉन्ड बना के यहां पर आया ऑक्सीजन, और ये आया हाइड्रोजन HOOH, और ये स्ट्रक्चर बना है, दिस वन इज H, यहां पर O, यहां पर O और यहां पर H, ये HOOH ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इस तरह की संरचना को हम क्या नाम देते हैं, हाफ ओपन बुक लाइक। ये जो दो फेस है आप देख रहे हो, HO और फिर यहां से देखोगे OH, ये अलग अलग फेस है, और इन फेस के बीच का एंगल होता है उसको हम नाम देते हैं डाइहेड्रल एंगल, और इसी वजह से इसका डाइहेड्रल एंगल जो होता है वो वेरी करता है 90 से 111 के बीच में। सॉलिड स्टेट में होता है तो ये बॉन्डिंग एंगल लगभग 90.2 पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में लेयर्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे, गैसीयस फेज में होगा तो लेयर दूर जाएंगे, इसकी वजह से बॉन्डिंग एंगल बढ़ जाएगा और बॉन्डिंग एंगल बढ़ता जाएगा 111.5, तो ये बॉन्डिंग एंगल इस तरह से वेरी कर रहा होता है, कभी ऐसा नहीं हो सकता दिस वन इज फुल ओपन, और अगर आपने फुल ओपन कर दिया तो फुल ओपन करते ही तो ये स्ट्रक्चर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दिस वन इज प्लेनर, पर ये प्लेनर नहीं होता, दिस वन इज नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, क्योंकि दोनों OH जो होते हैं वो डिफरेंट प्लेन्स में आते हैं। ये देखिए क्या कह रहा था मैं, यहां पर आया हाइड्रोजन, यहां पर आया ऑक्सीजन, बॉन्ड बनाकर ऑक्सीजन, बॉन्ड बनाकर हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये जो बुक ओपन रखी है उसके अंदर एक कोना, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, और फिर ये चौथा, इस तरह से आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे इसके अंदर मैं रिप्रेजेंट करूं तो क्या कहूंगा, यहां पर H था, फिर ये O था, फिर ये O था, फिर ये H था, और इस तरह से ओपन करके आपने इस स्ट्रक्चर को बनाया है, दिस वन इज हाफ ओपन बुक स्ट्रक्चर, इस तरह से खुला हुआ है, और इसलिए अपन कहते थे कि इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट 0 करने के लिए आपको फुल ओपन करना पड़ेगा, फुल ओपन करते हम यू क्या करेंगे 0, और वो 0 नहीं होता क्योंकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, कैसा स्ट्रक्चर है, दिस वन इज नॉन प्लेनर, हाफ ओपन बुक लाइक। वो भी एग्जांपल थे H2O2, O2F2, S2Cl2, Se2Cl2, तीन लोग आ चुके हैं, सबका स्ट्रक्चर सेम होता है, दिस वन इज नोन एज हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। आखिरी में कुछ यूजेस लिखे हैं, ब्लीचिंग एजेंट है, आपको मैं पहले बता चुका, ये ब्लीच करेगा नेसेंट ऑक्सीजन देकर, और नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से होगा परमानेंट ब्लीच। ये एंटीसेप्टिक की तरह काम में आता है, रॉकेट फ्यूल है H2O2 N2H4 का मिक्सचर। इसके अलावा हेयर डाई, बालों को रंगने के काम में आप इसको ले सकते हैं। H2O2 ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट दोनों की तरह काम में आ सकता है। तो ये जनरल पर्पस के कंपाउंड है जो कि H2O2 के रिस्पेक्ट में हमने लिखे हैं। तो देखिए हाइड्रोजन वाला चैप्टर वैसे आपके ज्यादा काम नहीं आता, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, और काम की चीज इसमें से हार्डनेस वाली होती है, जो कि हम इंडिकेट कर चुके हैं, दो तरह की टेम्पररी और परमानेंट। बाकी जो कंपाउंड है हाइड्रोजन को बनाने के तरीके हमने सबसे पहले देखे, क्योंकि ज्यादा काम का नहीं है, इसको हमने फटाफट से एक ही पार्ट में समअप कर दिया है, क्योंकि इसमें पूछे जाने की टेंडेंसी कमी होती है क्वेश्चंस की। फिर भी आप इसको एक बार समअप कर लेना, एक बार आप देख लेंगे, मॉड्यूल में भी आपको सब कुछ मिल जाएगा जो हमने बताया है। बाकी हाइड्राइड्स के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं, हाइड्रोजन को बनाने का तरीका है, पानी के बारे में बताया जाता है, पानी की हार्डनेस बतानी होती है, D2 पढ़ाया जाता है, और एक होता है H2O2 जिसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये सब कुछ था हाइड्रोजन वाले चैप्टर के बारे में, और ये हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट किया है, पूरा का पूरा पार्ट जो कि आपके 11th और 12th में आ सकता है उसके बारे में हमने डील किया, और आखिरी चैप्टर हमने हाइड्रोजन के साथ फिनिश किया है। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी जिसके बारे में आपने देखा। हाँ, ध्यान रखें टाइम टाइम पर रिवीजन जरूर करते रहें इसका, ताकि जो भी आपको लग रहा है कि आप भूलने लगे हैं या टाइम के साथ मिस होने लगी है चीजें, तो वो चीजें वापस रिकॉल हो जाए, इसलिए आप सर रिवीजन करते हैं। हाँ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैक्सिमम करें, कुछ जगह बच्चे कहते हैं एक्सेप्शन इसके अंदर पाया जाता है, एक्सेप्शन सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे चीजें आपको याद उतनी ज्यादा हो जाएंगी। पी ब्लॉक है, बोले इतना वास्ट चैप्टर है, इतनी सारी डिक्शन, सारी डिक्शन आपके काम नहीं आती,
जो आती है वो आपको ठीक से याद है, बाकी दिक्कत ही नहीं है। हाँ, कंसेप्चुअल टाइप की कोई कमी नहीं है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गई, पीरियोडिक टेबल हो गया, तो ये सब कुछ जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं और आसानी से आप जो इन सबको पढ़ के पूरे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। बस कोशिश करिए टाइम टाइम रिवाइज करते रहें और जहां से भी मिले जितने भी मिले क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब करें ताकि वो जो भी आपका मिस हो रहा है या कभी कभी आप भूल रहे हैं वो वापस से रिकॉल हो सके। बाकी चीज बड़ी आसान है, आप आसानी से इसको समझेंगे और आशा करते हैं कि जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप मैक्सिमम जो है क्वेश्चन सही करके आएंगे। अपनी सबकी तरफ से ऑल द बेस्ट, विश यू गुड लक।